सब्सक्राइब करें आईटी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी गुरुजी। स्वागत है आपका आईटी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने जो एसडी कार्ड है या जो अपनी पेन ड्राइव है उसको अपने कंप्यूटर में एज ए रैम की तरह काम में ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि हमें ये कैसे करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव चाहिए पड़ेगा, 4 GB, 8 GB या 16 GB। तो यहाँ पर मैंने एक पेन ड्राइव लिया है 16 GB का, और इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा दूँ, 16 GB का ये पेन ड्राइव है। प्रॉपर्टी जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी जो स्टोरेज है वो दिखाएगा। आपको क्या करना है, इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेना है, बिल्कुल खाली कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी फॉर्मेट कर रखा है, ये बिल्कुल खाली दिखा रहा है स्पेस। और फॉर्मेट करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में आना है, फिर रेडी बूस्ट ऑप्शन में आना है। रेडी बूस्ट ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको तीन ऑप्शन दिखा देंगे, आप थर्ड ऑप्शन पर आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर वो साइज़ एंटर करना है जो इस पेन ड्राइव से आप यूज़ में लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप 16 GB यूज़ में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आप यहाँ पर साइज़ दे सकते हैं, और जो भी यहाँ पर आप साइज़ देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं 16 GB के अंदर अंदर। और वो जो साइज़ है वो आपके लिए एज ए रैम के तौर पर काम करेगा आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में। तो यहाँ पर मैं साइज़ ये एंटर कर देता हूँ, और साइज एंटर करने के बाद अप्लाई और ओके पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, पेन ड्राइव में कुछ डेटा आपको दिखाने लग जाएगा कि कुछ ना कुछ डेटा पड़ा है। वो जो पेन ड्राइव का जो इंडिकेटर है, ये देखिए, ये अभी लगभग 1/3 आपको फिलअप हुआ दिखा रहा है कि पेन ड्राइव में कुछ ना कुछ डेटा है, लेकिन इसमें एक सिंगल फाइल होगी। रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और वापस से माय कंप्यूटर ओपन करेंगे। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, पेन ड्राइव में जो फाइल है वो सिर्फ एक ही फाइल है, रेडी बूस्ट फाइल, बाकी इसके अलावा और कोई भी फाइल नहीं है। तो अब ये जो स्पेस है ये आपके लिए एज ए रैम वर्क करेगा आपके कंप्यूटर में। अगर आपका कंप्यूटर इससे पहले स्लो चल रहा था, या कुछ वीडियो थे जो स्लो चल रहे थे, या गेम खेल रहे थे उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी आपको, गेम अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो अब आपके कंप्यूटर में काफ़ी इफेक्ट आ जाएगा, आपका जो कंप्यूटर है वो स्मूथली रन करने लग जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर इसका इफेक्ट दिखेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।